हेलो स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड और आर्म मेथड मैथड ऑफ एफ एम जनरेशन सो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट और आर्म मेथड मैथड हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे विथ डिटेल ब्लॉक डायग्राम तो अगर मैं सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम बना लूँ आपके लिए तो यहाँ पर फर्स्ट जो ब्लॉक होता है हमारा वो होता है नैरोटर का और इसमें जो आपके इनपुट होते हैं वो एम एमटी और कैरियर ए सी कॉस ओमेगा मॉड्यूलेटर है इसका जो आउटपुट है वो अगले ब्लॉक में जाता है जो कि आपका होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर और इसे मैं एन से डिनोट कर रहा हूं यहां पर ठीक है ये फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर का आपका यूज़ क्या होता है इसे मैं अभी डिस्कस करता हूँ और जो आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम करते हैं वाइड बैंड एफ सिग्नल ठीक है तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट मैथड या अनस्ट्रांग मैथड होता है उसका टारगेट क्या होता है उसमें हम करते क्या हैं उसमें बेसिकली हम नैरो बैंड एफ एम मॉडुलेटर का यूज़ करते हैं हमें चाहिए तो वाइड बैंड एफ ही क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं कि नैरो बैंड एफ का कोई यूज नहीं है इज़ वेरी सिमिलर टू एम और हमें जो स्टडी करना है वो वाइड बैंड एफ एम ही करना है तो वी वॉन्ट टू जनरेट वाइड बैंड लिए हम लोगों ने यहां पर इनडायरेक्टली वर्क किया है सबसे पहले हमने सिग्नल जनरेट किया है बाय यूजिंग नैरोड एफ एम मॉड्यूलेटर तो आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर इज नैरोड एफ एम सिग्नल अब नैरो बैंड एफ एम सिग्नल में वी नो दैट बीटा इज लेस देन वन एंड वी वॉन्ट बीटा इज ग्रेटर देन वन क्योंकि वाइड बैंड एफ एम में बीटा क्या होता है हमारा ग्रेटर देन वन होता है दैट्स वाई हमने फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज़ किया है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का मीनिंग ये होता है या इसका यूज ये होता है कि ये बीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है ये काम ये कैसे करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है देखिए सपोज करिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर सपोज करिए हमने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर अप्लाई कर दिया ठीक है जहां पर एन की वैल्यू है आपकी टू तो ये जो आपका सपोज करिए कोई सिग्नल है मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कॉस ओमेगा सी टी ये मेरा कोई सिग्नल है तो यहां पर होगा क्या कॉस ओमेगा सी टी जब इस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास होगा तो उसमें आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी हो जाएगा तो बेसिकली फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर जो हम यूज कर रहे हैं उसका काम है स्क्वायरिंग करना या पावर एन करना स्क्वायरिंग यहां पर कर रहा है क्योंकि हमने एन इक्वल टू टू लिया है अगर हम एन की बात करें तो पावर एन कर देगा जिससे होगा क्या अगर आप इस एग्जांपल को समझें तो हमारा एक टर्म जनरेट होगा टू ओमेगा सी का ठीक है ना वन प्लस कॉस ओमेगा सी डिवाइडेड बाई टू क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा सीटी का फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस कॉस टू ओमेगा डिवाइडेड बाई टू होता है ठीक है वैसे अगर हम कॉस क्यूब करेंगे या कॉस की पावर फोर करेंगे दैट मीन्स जैसे जैसे हम एन की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको एक टर्म जरूर ऐसा मिलेगा जिसमें कॉस एन थीटा हो ठीक है जैसे यहां पर कॉस थीटा था उससे हो गया कॉस टू थीटा ठीक है जब एन की वैल्यू टू थी तो एक टर्म आपको जरूर मिलेगा जहां पर कॉस थीटा हो ठीक है जैसे यहां पर आपको टू थीटा मिला अब हम क्या करेंगे उसके बाद एक फिल्टर लगा देंगे और फिल्टर आपका ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ और ये जो टू ओमेगा वाला टर्म है या कॉस टू थीटा वाला टर्म है वो पास होगा बाकी टर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो ये होता है कंप्लीटली फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का काम क्लियर है अच्छे से तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आप समझाने की कोशिश करूं तो देखिए मान लीजिए आपका एक सिग्नल जनरेट हो गया हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है सिग्नल का इक्वेशन तो ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी तो ये जो इक्वेशन था ये दोनों के लिए था व्हाइट बैंड के लिए भी था बैंड के लिए भी था सपोज करिए बीटा लेस देन वन है दैट मीन्स ये इक्वेशन अब हो गया आपका नैरो बैंड के लिए तो जब इसे मैं फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करूंगा तो मान लीजिए इसे मैं नाम दे देता हूं एस वन टी तो जो आपका आउटपुट आएगा ना वो कुछ ऐसा होगा ए सी कॉस ये जो आपका थीटा है ना कंप्लीट ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी उसमें मैं एन से मल्टीप्लाय कर रहा हूं तो एन ओमेगा सी टी प्लस एन बीटा साइन ओमेगा एम टी क्लियर है अच्छे से तो यहां पर हुआ क्या बेसिकली आपका अगर आप ध्यान से इसको देखें तो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर यूज किया ए में कोई चेंज नहीं हुआ बट जो बीटा है ना आपका बीटा जो है वो एन बीटा हो गया ठीक है तो जो नया आपका बीटा वन है वो एन बीटा हो गया अब आप एन की अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज करके मींस एन की वैल्यू तो आप पहले से डिसाइड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर करने के पहले ही ठीक है ना तो एन की वैल्यू जब आप अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज कर लेंगे वहां पर तो आपका टारगेट क्या होगा अप्रोप्रिएट वैल्यू ऐसी होनी चाहिए एन की कि जो बीटा लेस देन वन है वो बीटा क्या बन जाए ग्रेटर देन वन बन जाए तो बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एन आप नैरो बैंड एफएम से वाइड बैंड एफएम अचीव कर लेंगे इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट में ए में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन एफ जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है उसमें चेंज हो गया तो एफ क्या हो गया एन एंड इसके अलावा आप और देखें तो एन ओमेगा सी टी हुआ प्लस एन बीटा हुआ साइन ओमेगा एम टी तो ओमेगा एम में कोई चेंज नहीं हुआ दैट मीनस एफ एम वन इज इक्वल टू एफ एम अब इस बात को समझिएगा जो बीटा होता है वो होता है डेल एफ अपॉन एफ एम तो अगर हमारा बीटा में चेंज हो रहा है एफ एम में कोई चेंज नहीं हो रहा दैट मीन्स बीटा में चेंज किसके कारण हो रहा होगा डेल एफ के कारण ट मीनस जो आपका डेल एफ वन है वो भी क्या हो जाएगा एन डेल एफ हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं वाइट बैंड एफ एम बाई यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड और आन स्ट्रॉन्ग मैथड क्लियर है नाउ इस पूरे मेथड को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं यहां पर देखिए एक आपका एफ सिग्नल है ठीक है एफ सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपको उसका दिया गया है ये वैल्यू आपको दी गई है ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू स्क्वायर लॉ डिवाइस एक स्क्वायर लॉ डिवाइस में अप्लाई किया जाता है और मैसेज जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वो भी आपको दे दिया है वो गिवन है आपको फाइव किलो हट्स ठीक है ये भी आपको गिवन है यहां पर और आपसे पूछा है कि स्क्वायर लॉ डिवाइस जो होगा उसके आउटपुट में आउटपुट ऑफ स्क्वायर लॉ डिवाइस में आपका बीटा कितना होगा आपकी बैंडविथ कितनी होगी ये आपका क्वेश्चन है क्लियर है अच्छे से तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है एक एफ एम सिग्नल गिवन है जिसके लिए डेल एफ नाइन किलो हट्स है और मैसेज सिग्नल फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइव किलो हट्स है ठीक है और आपको क्या क्या बोल रहा है यहां पर आपको यहां पर कह रहा है कि जब इस एफ सिग्नल को स्क्वायर डिवाइस से पास किया जाता है तो जो आउटपुट जो आपका जनरेट होगा उस केस में बीटा क्या होगा और बैंडवेद क्या होगी तो आप देखिए हमें पता है जब स्क्वायर और डिवाइस से पास करेंगे तो जो डेल एफ वन है आपका स्क्वायर ऑर डिवाइस मतलब एन की वैल्यू टू कितना हो जाएगा एटीन और जो आपका एफ एम वन है वो आपका सेम रहेगा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फाइव किलो हर्ट्स तो जो बीटा है हमारा वो क्या होता है डेल एफ अपॉन एफ एम क्लियर है अच्छे से तो जो बीटा है हमारा वो आपका कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एटीन बाय फाइव क्लियर है नाउ अब बीटा हमारा कैलकुलेट हो गया इसके अलावा जो बैंडविथ है हमारी वो कितनी हो जाएगी टू इन टू बीटा प्लस वन इन टू एफ एम ठीक है किलोहट्स में आपका आंसर आ जाएगा ऑलरेडी हम बैंडवित का फॉर्मुला जानते ही हैं बैंडविथ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है टू इंटू बीटा प्लस वन इंटू एफ एम क्लियर है तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं सपोज करिए एक आपका नैरो बैंड सिग्नल है ठीक है जिसे आप इस तरीके से शो कर रहे हैं टेन कॉस टू पाई इंटू टेन की पावर सिक्सटी प्लस जीरो पॉइंट फोर साइन टू पाई टेन की पावर थ्री टी ठीक है अब ये सिग्नल जो है पास किया गया है थ्रू टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर दो फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लायर जो कैस्केड में है ना उनसे पास किया गया है एन वन की वैल्यू दी है फाइव एन टू की वैल्यू दी है फोर तो आपको क्या क्या निकालना है फाइनल जो आउटपुट मिलेगा उसमें आपको निकालना है एफ सी बीटा एंड बैंडविथ ठीक है ये आपको फाइनल आउटपुट में निकालना है और इसके अलावा आपको फर्स्ट मल्टीप्लायर के आउटपुट में भी सेम कैलकुलेशन करने हैं और सेकेंड मल्टीप्लायर के आउटपुट में भी सेम कैलकुलेशन करने हैं ऑब्वियस सी बात है जो सेकंड मल्टीप्लायर का आउटपुट होगा वही आपका फाइनल आउटपुट होगा तो अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं तो आपको फर्स्ट मल्टीप्लायर के आउटपुट में और सेकेंड मल्टीप्लायर के आउटपुट में एफसी बीटा एंड बैंडविथ कैलकुलेट करना होगा ठीक है तो आउटपुट अगर आप बात करें आफ्टर एन वन ठीक है मीन्स फर्स्ट मल्टीप्लायर तो एफ सी हमारा कितना हो जाएगा एफ सी वन मान लेते हैं इसे हम सबसे पहले आप एफ सी को लिख लीजिए एफ सी आपको कितना दिया है टेन की पावर सिक्स ठीक है हर्ट्स डेट मीन्स वन मेगा हर्ट्स ठीक है उसके अलावा बीटा कितना दिया है हमें जीरो पॉइंट फोर आप कंपेयर कर सकते हैं ना स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी अभी हमने लिखा था ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस बीटा साइन ओमेगा एम टी और आपका जो एफ है वो कितना दिया है टेन की पावर थ्री हर्ट्ज, दैट मीन वन किलो हट्स तो अगर आप ध्यान से देखें एफ सी वन जो है वन मेगा हर्ट्स है वो कितना हो जाएगा फाइव मेगा ठीक है ना फाइव है आपका एन वन उसके अलावा जो आपका बीटा है पॉइंट फोर है वो कितना हो जाएगा आपका पॉइंट फोर इंटू फाइव टू हो जाएगा इसके अलावा जो आपका बैंडविथ है वो क्या होता है टू इंटू बीटा प्लस वन इंटू एफ एम एफ में तो कोई चेंज नहीं होगा हमारा एफ कितना है वन किलो हर्ट्स तो बैंडविथ हमारी कितनी हो जाएगी सिक्स किलो हर्ट्स क्लियर है नाउ अब अगर मैं फाइनल आउटपुट की बात करूं दैट इज आउटपुट आफ्टर एंड टू दैट मीनस सेकेंड मल्टीप्लायर तो कितना होगा हमारा एफ FC? देखिए एफ सी टू दे दीजिए नाम इसे सेकंड मल्टीप्लायर में क्या अप्लाई होगा एफ सी वन अप्लाई होगा ना एफ सी वन कितना है फाइव मेगा हर्ट्स तो 5 मेगा में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि n2 4 है कितना हो जाएगा हम लोगों का 20 मेगा क्लियर नाउ अब अगर बात करें बीटा की तो बीटा हमारा कितना आया था फर्स्ट मल्टीप्लायर के बाद 2 आया था तो अब बीटा कितना हो जाएगा बीटा 2 2 इंटू फोर एट इसके अलावा जो बैंडविथ है हमारी वो क्या होती है टू इंटू बीटा प्लस वन इंटू एफ एम एफ तो एम हमारा कितना है एफ तो अनचेंज होगा किलो हट्स ही रहेगा तो ये हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 18 किलो हट्स क्लियर है अच्छे से तो इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन को जनरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है क्लियर है अच्छे से तो ये मेथड मैं यहीं अब फिनिश कर रहा हूं तो यहां पर हमारा जनरेशन ऑफ एफ फिनिश होता है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड स्टडी किया था आज की वीडियो में हमने इनडायरेक्ट मेथड और आर्म स्ट्रॉन्ग मैथड स्टडी किया है अगर इस पूरे मेथड में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं ठीक है थैंक यू